राशि वालों नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तुला राशि वालों, मौत का काल सर पर मंडरा रहा है। जी हां तुला राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिन हो जाइए सावधान। तुला राशि वालों, कुंडली का लिखा कोई नहीं बदल सकता है। अगले 7 दिन यह घटना हर हाल में होंगी। जी हाँ तुला राशि वालों, आज की संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर निर्माण किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको आने वाले अगले 7 दिनों के महाराशि फल बताने जा रहे हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, अगले 7 दिन तक आपको क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, और तुला राशि वालों हाल ही में सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है तो तुला राशि वालों आने वाले ये जो 7 दिन का समय है आपके लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं आने वाले अगले 7 दिन आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, अगले 7 दिन प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए कैसी रहेंगी, अगले 7 दिन आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो वही तुला राशि वालों आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेंगे, सारे सवालों के जवाब आपको आज के इसी वीडियो में दिए जाएंगे। तुला राशि वालों, आपको करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कीमती वक्त निकालकर वीडियो को अंत तक देखनी है। सबसे पहले तुला राशि वालों, वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दें, क्योंकि दोस्तों बात बात में आप भूल जाती हैं, वीडियो को लाइक नहीं करती हैं, इसलिए तुला राशि वालों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ का जयकारा अवश्य लगाइएगा। दोस्तों भगवान महादेव जी का कृपा आप और आपके पूरे परिवार वालों पर सदैव बनी रहेगी। आइए तुला राशि वालों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अनमोल विचार से। देखिए दोस्तों, गीता में साफ शब्दों में लिखा है कि कर्म से डरिए ईश्वर से नहीं, ईश्वर माफ कर देते हैं कर्म नहीं। एक अटल सत्य है, जैसे कि एक बछड़ा 100 गायों के बीच ढूंढ लेता है अपनी माँ को, ठीक उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है आज नहीं तो कल। क्योंकि दोस्तों कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ ऑर्डर देने वाले की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। इसलिए तुला राशि वालों, कर्म से जरूर डरना चाहिए। दोस्तों बात अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए तुला राशि वालों जानते हैं आने वाले अगले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तुला राशि वालों, अगले 7 दिन तक कुछ न कुछ दिक्कतें बनी रहेगी, कोई प्लानिंग आपका गलत हो सकता है या कोई काम आपका गलत हो सकता है, परंतु तुला राशि वालों निराश ना होकर पुनः प्रयास करते रहें, जल्द ही समस्या का हल हो जाएंगी और कुछ व्यक्तिगत मामले भी उभर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अगले 7 दिन तक शांतिपूर्ण और धैर्य के साथ समाधान निकालें, उनका समाधान आपको जरूर निकलेगा। इसके उपरांत अगले 7 दिनों में बिजनेस में रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है, इसलिए पूरी संजीदगी और गंभीरता से अपने कार्यों को अंजाम दें तो ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपके संबंध और अधिक बेहतर होंगे, लेकिन दोस्तों कुछ खास बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही दूसरों की मदद के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ दोस्तों दूसरों की मानसिक को भी समझने का, अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। विद्यार्थी, अगले 7 दिन तक आपको थोड़ा सा पढ़ाई में दिक्कत हो सकता है, जो कि दोस्तों आपको पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा बहुत परेशान करेंगे सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें तो आने वाले अगले 7 दिन आपके लिए बेहतर रहेंगे। देखिए दोस्तों, बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा ना लगाएं, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। इस समय किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, इसलिए दोस्तों अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ समय आपको रुकना ही बेहतर रहेगा। अगर आप
करने का मन बना लिए हैं तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही करें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। इसके उपरांत किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल अवश्य कर लें, नहीं तो दोस्तों आवेश में आकर कहीं भी आप फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, परिस्थितियां कुछ विपरीत होने से भी कभी कभी मन में अनहोनी जैसा अहम अथवा भय रहेगा। अपना मनोबल बनाकर रखें, जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए उचित रहेगा। लेकिन दोस्तों, आवेश में आकर किसी पर भी वाद विवाद ना करें, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार या बिजनेस संबंधित काम को लेकर अगले 7 दिन आपको कोई ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए सकारात्मक बने रहें, पिछले कुछ कड़वे अनुभवों से सीख लेकर आपको अपने दिनचर्या में अनुचित सुधार लाने की प्रयत्न करना सफल होगा। देखिए दोस्तों, अगले 7 दिन व्यक्तिगत मामलों को लेकर कुछ विपरीत स्थिति बन सकती है, इसलिए दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना ही करें तो ये आपके लिए उचित रहेंगे। जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से किसी भी पड़ सकती हैं, मुसीबत में पड़ सकती हैं, धैर्य और संयम बनाए रखना आपके लिए बेहतर होंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, इस समय व्यवसाय में अधिक मेहनत और समय देने की ज़रूरत है। नया काम शुरू किया है तो उनके लिए समय थोड़ा सा दिक्कत होगा, मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी, इसके उपरांत सफलता मिलेगी, इसलिए तनाव ना लें। नौकरी में पदोन्नति भी इस समय संभव है, परंतु साथ ही साथ आपका कारभार भी बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, अगले 7 दिन तक आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना होगा। दोस्तों, समय का उचित प्रबंधन रखें, क्योंकि इस समय ऑनलाइन गतिविधियों द्वारा कोई नई तकनीक या हुनर सीखने के लिए उचित समय है, इसलिए इससे आपको जो है पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा। युवाओं को कोई कामयाबी हासिल करने के जो है उत्साह बना रहेगा। दोस्तों, अपने वसूलों और सिद्धांतों से समझौता ना करें, वाद विवाद तथा सतर्क से इस समय दूर रहें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। हालांकि अकस्मात ही कुछ खर्चे आपके सामने भी आ सकती हैं, जिन पर कटौती करना संभव नहीं होगा। बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से उनका मनोबल बढ़ेगा और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। वहीं दोस्तों, अगर लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय वैवाहिक संबंधों में चल रही गलतफहमियों की वजह से पारिवारिक वातावरण भी प्रभावित होगा, इसलिए सावधान रहें। प्रेम संबंधों में नजदीकियां अभी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए अपने दिनचर्या व्यवस्थित बनाए रखें। कुछ समय व्यायाम, योगा आदि से भी आपका जो है काफी राहत मिलेगी। इस समय आप जो है योगा व्यायाम जरूर करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेंगे। तो दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिन कुछ इस तरह से आपके रहने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप सतर्क रहें, सावधान रहें, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।